माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन एंड विल बी टेकिंग केयर स्पेशल केयर ऑफ योर स्टडीज एंड पेइंग स्पेशल अटेंशन टू योर हेल्थ एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, मी टीचर ज़मीर अहमद, टीचर पी एस शाह मोहल्ला दर्दपुरा इज़ वंस अगेन इज़ फ्रंट ऑफ यू विथ ए न्यू वीडियो फॉर क्लास फिफ्थ ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश एंड आवर टॉपिक इज बीरबल द वॉइस। एज माई डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, यू नो दैट वी हैव कम्प्लीटेड दिस लेसन बाई रीडिंग एज वेल एज इट इज फोर क्वेश्चन एज वेल एंड टूडे वी आर गोइंग टू write and learn the language work. Now my dear students, open your textbook on page number 16. आप अपनी किताब जो है प्यारे बच्चों पेज नंबर 16 पर ओपन करें और हम आप पढ़ेंगे इसका जो लैंग्वेज वर्क है ये करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन का लैंग्वेज वर्क जो है वो करेंगे, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 पे ओपन करें। पार्ट बी है जो हम करने जा रहे हैं, पार्ट बी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए हुए जो जुमले हैं ये पूरे करें, मीन्स कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे ये जो जुमले दिए गए हैं इनको मुकम्मल करें। पहला है ए, सूर्य सिंह वाज काइंड बिकॉज ही आस्क्ड द मैन। सूर्य सिंह जो था वो मेहरबान आदमी था, मेहरबान था, उसके अंदर हमदर्दी कूट कूट कर भरी हुई थी। ही आस्क्ड द मैन, उसने उस आदमी से कहा। क्या कहा? ये मैंने पेज पे लिखा हुआ है, सूर्य सिंह वाज काइंड बिकॉज ही आस्क्ड द मैन टू राइड द हॉर्स एंड गाइड हिम टू द सिटी। कि वो उसका घोड़ा चलाए, यानी कि सूर्य सिंह का वो आदमी घोड़ा चलाए और उसको शहर का रास्ता बताए। दूसरा पार्ट है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द ट्रेवलर वॉज डिसऑनेस्ट बिकॉज। जो ट्रेवलर था, जो सैलानी था, वो जो बूढ़ा था, वो डिसऑनेस्ट था, वो बददयानत था। क्यों? द ट्रेवलर वॉज डिसऑनेस्ट बिकॉज ही क्लेम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हॉर्स एंड डिड नॉट गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स। वो कह रहा था कि नहीं, घोड़ा मेरा है, घोड़े का मालिक नहीं हूँ, मैं घोड़े से नीचे नहीं उतरूँगा। अब है लैंग्वेज वर्क। लुक इन टू द लोको क्वेश्चन ए, हॉरस लाइवज इन। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए, हॉरस लीव इन स्टेबल्स एंड काउज इन शेड्स। यानी कि घोड़े जो हैं वो स्टेबल में रहते हैं, अस्तबल में, और गाय वगैरह जो हैं वो शेड में रहती हैं, उनको रखा जाता है। इन कॉलम में नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, कॉलम ए में कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं आप देख सकते हैं, और कॉलम बी में उनकी जगह जहाँ पर वो रहते हैं। अब ये कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी से। कॉलम ए में एनिमल्स हैं और कॉलम बी में उनके रहने की जगह है। अब हम देखते हैं पहला जो है, आप देख सकते हैं हॉर्स, हॉर्स कहाँ पर रहता है? ऊपर लिखा भी है स्टेबल में, यहाँ पर देखें स्टेबल, हॉर्स लिव इन स्टेबल। दूसरा लायन, लायन लिव इन डेन, लायन लिव इन डेन, वायर इज डेन लॉस्ट, लास्ट पे लिखा है डी ई एन डेन। थर्ड वन इज चिकन, चिकन कहाँ पर? ये चूजे वगैरह को रखा जाता है कूप में, सी ओ पी कूप। एंड फोर्थ वन इज बर्ड, वायर बर्ड स्लीव, बर्ड स्लीव इज इन नेस्ट, नेस्ट कहाँ पर है? ये है नेस्ट। और इस तरह है फिफ्थ, काउ, काउ लीव इन शेड, वायर इज शेड फर्स्ट वन। एंड सिक्स्थ वन इज रैबट, रैबट कहाँ पर रहता है? खरगोश, रैबट बर्रो में रहते, बी यू आर आर ओ डब्ल्यू बर्रो। और फिर इस तरह स्पाइडर है, स्पाइडर कीड़े वगैरह, मक्खियाँ वगैरह, वेब में, ये जाल में रहते हैं, है ना। इस तरह है बी, शहद की मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ हायो में रहती हैं, एच आई वी हायो, ये है बी हायो, यानी छत्ते में। इस तरह फिश है, फिश तो आपको पता है वाटर, पानी में रहती है, डब्ल्यू टी आर वाटर। और लास्ट वन, टेंथ वन इज़ ओल, उल्लू जो है ये ट्री पर रहते हैं, वेयर इज ट्री, ये है ट्री। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर समझाता हूँ, हॉरस जो है
हॉर्स स्टेबल में रहता है, लायन डेन में, देन द प्लेस वेयर लायन लिव्स इज कॉल्ड डेन, चिकन इज कूप, बर्ड बोर्ड आपको पता ही है लिव्स इन नेस्ट, बोर्ड जो है बोर्ड्स आर लिव इन नेस्ट, काउ शेड, रैबिट बोरो, स्पाइडर वेब, बी हाइव छत्ता, इस अ फिश वाटर में और ऑल ट्री पर। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है जो हमारा लैंग्वेज वर्क था आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलेंगे एक अगली वीडियो में और नया सबक लेकर, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।